हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस तरह का खाना जी का ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये चोली मैंने पहले से ही बना ली थी और इसका वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइड की साइड से हम स्टार्ट करेंगे। एक चेन बना लेंगे, यहाँ से तीन चेन बना लेंगे, सॉरी। उसके बाद जो तीन चेन बनाई है उसी ही लूप में दूसरा एक डबल क्रॉस से बना लेंगे। तो ये तीन चेन को भी हम एक डबल क्रॉस से गिनेंगे। एक ही चेन के अंदर दो डबल क्रॉस से हुए हमारे। अभी नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक डबल क्रॉस से लेंगे और उसी चेन के अंदर फिर से एक डबल क्रॉस से लेंगे। इसी तरह पूरे राउंड में हम एक एक चेन में दो डबल क्रॉस लेते जाएंगे। ये दूसरा। इसी तरह फ्रेंड्स, हम पूरे सर्कल में दो दो डबल क्रॉस से लेते जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर से तीन चेन बना लेंगे और फिर वही चेन में नहीं, नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रॉस से बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाली चेन है उसके अंदर हम दो डबल क्रॉस से बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक डबल क्रॉस से बनाएंगे, उसकी नेक्स्ट वाली में फिर से एक बनाएंगे और उसकी नेक्स्ट वाली में फिर से दो बनाएंगे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। नहीं, देख सकते हैं हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फिर से तीन चेन बना लेंगे और उसके नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रॉस से बनाएंगे, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक डबल क्रॉस से बनाएंगे, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर दो डबल क्रॉस से बनाएंगे। ये राउंड के अंदर तीन चेन और फोर्थ के अंदर दो डबल क्रॉस है। इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये एक, दो और ये तीसरा, और चौथे के अंदर हमें दो डबल क्रॉस लेना है। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यही पैटर्न में। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से हम तीन चेन बना लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रॉस बना लेंगे, इसके नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रॉस बनाएंगे, अभी नेक्स्ट के अंदर फिर से एक डबल क्रॉस है। अभी ये चार हो गए। पांचवे के अंदर हमें दो डबल क्रॉस बनाने हैं। ये राउंड हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। फोर डबल क्रॉस से चार हमें एक एक लेना है चेन के अंदर और पांचवी चेन के अंदर दो डबल क्रॉस से लेना है। इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये चार हो गए, ये पाँचवा है, पाँचवें के अंदर दो डबल क्रॉस। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमें अभी चार कंप्लीट हो गए सर्कल। अभी हम इस तरह से दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। मैंने येलो कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। अभी हम एक चेन लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रॉस से बनाते जाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रॉस से बना लेंगे, उसके नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रॉस है, उसके नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रॉस है। इसी तरह सभी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रॉस से लेते जाना है। ये देख सकते हैं आप,
सभी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रॉस लेते जाएंगे और इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से वही कलर लेंगे, ब्लू कलर। दो चेन लेंगे, सॉरी तीन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और नेक्स्ट के अंदर फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट के अंदर फिर से डबल एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह पांच हो गए। अभी जो छठा है उसके अंदर हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड के अंदर हम इस तरह से पांच एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और छठी चेन के अंदर दो डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह ये सर्कल कंप्लीट करेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठे में दो बनाएंगे, दो डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। अभी फिर से हम येलो कलर लेंगे। अभी हम चेन नहीं बनाएंगे, इस तरह से दोरा खींच के, ये फर्स्ट वाला था, ये दूसरा और तीसरा ये हो गया, इसके अंदर से निकाल के धागा और एक चेन बना लेंगे। दो चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। इस तरह से दो चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर ऐसे धागा परो के इसे तीन बार लेंगे, लूप में से निकालेंगे और इस तरह से एक चेन ले लेंगे। फिर दो चेन बना लेंगे, फिर वही चेन के अंदर फिर से इस तरह का लूप बनाएंगे फिर से एक चेन बना लेंगे। दो चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह हमें पूरा राउंड करना है। फिर से दो चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर इस तरह का धागा खींच के रखना है, हमें तीन बार लेना है और एक चेन बना लेना है। फिर से दो चेन बनाना है, इस तरह से धागा खींच के रखिए, तीन बार लेना है हमें। धागा निकाल के इस तरह से दो चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह हमें पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करना है। ये देख सकते हैं हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा खिंचाव आया है पर वो एंडिंग में निकल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। एक सब स्टिच स्लिप स्टिच ले लेंगे यहाँ पे और जो सिंगल क्रॉस लिया था उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। फिर से हम ब्लू कलर ले लेंगे और हम डायरेक्ट ये जो दो डिज़ाइन बनाई थी उसके अंदर जो दो चेन बनाई थी उसके अंदर हम सिंगल क्रॉस लेना स्टार्ट करेंगे। ये एक ले लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवा। सात डबल क्रोशे बनाएंगे और जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर की चेन से नहीं, उसके बीच में से हमें, उसके बीच के हिस्से से हमें
फिर से एक सिंगल क्रोशे ले लेना है, यहाँ अटैच कर देंगे हम। फिर से 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू सभी फ्लावर के बीच के अंदर से हमें 7 डबल क्रोशे लेना है। दो दो चेन जो हमने बनाई थी डिज़ाइन के ऊपर, उसी के अंदर हमें 7 डबल क्रोशे लेना है। और जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसके बीच के अंदर से फिर से एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से पूरी डिज़ाइन अटैच होती जाएगी। पूरा सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। सर्कल कंप्लीट हो गया है और अब हम पिंक कलर का धागा लेंगे और जो फर्स्ट वाली चेन है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे हम। और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके येलो वाली जो नीचे है उसके जो चेन में हमने बनाया था उसकी बाजू वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे लंबा लेना है, लंबा रखना है धागा, लंबा सिंगल क्रोशे ले लेना है। देख सकते हैं आप किस तरह से ले रही हूँ मैं, ऐसे सिंगल क्रोशे लेना है लंबा और चेन में से निकाल लेना है। धीरे से निकाल लीजिए आप क्योंकि ये धागे में से निकालना थोड़ा, अभी हम दो चेन में, अभी ये सभी चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशे ले लेंगे। जो हमने 7 का डिज़ाइन बनाया था डबल क्रोशे का उसके चेन के ऊपर से सिंगल क्रोशे लेना है। फिर एंड में आ गए हम, अब हम फिर से जो ये वाली चेन है उसके अंदर हम फिर से लंबा सिंगल क्रोशे लेंगे और तीनों धागे निकाल देंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। फिर से जो सिंगल क्रोशे की चेन है वो उसमें भी एक चेन लेंगे और जो 7 की पैटर्न बनाई है उसकी चेन से भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर से जो पैटर्न के नीचे से हमने सिंगल क्रोशे लिया था वही चेन के अंदर से फिर से सिंगल क्रोशे लंबा वाला करके धागा लेना है और नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशे लेना है। नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट वाली, उसकी नेक्स्ट, उसकी भी नेक्स्ट, बाकी की 6 बची सभी चेन के अंदर सिंगल क्रोशे लेके फिर छठी वाली ले में लेके उसके बाद फिर से ये पैटर्न बनानी है। इससे लंबा वाला सिंगल क्रोशे ले लेना है। इसी तरह से पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करेंगे हम। ये देख सकते हैं इसी तरह सिंगल क्रोशे लेंगे लंबा वाला, तो ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा। इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट कर लीजिए, यही पैटर्न बनानी है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने ये पैटर्न कंप्लीट कर ली है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर दिख रहा है, हमारे कान्हा जी की ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही ड्रेस बनाने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर से लाइक करिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई और क्वेरी है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।